फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo V30 Pro एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की ऑटो ब्राइटनेस की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप ये वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके फोन की जो ब्राइटनेस होती है वो ऑटोमेटिक कम या ज्यादा होने लगती है, तो इसकी सॉल्यूशन के लिए करना क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको अपने फोन का सेटिंग का पेज ओपन करना है। इसमें आपको सेटिंग के पेज में नीचे ये ऑप्शन मिलता है, ये डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, इसे आपको टैप करना है। इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता है अडेप्टिव ब्राइटनेस। अडेप्टिव ब्राइटनेस के सामने वाला बटन अगर आपके फोन में चालू है ना, यानी कि ऑन है, तो आपको उसे बंद करके रखना है, ऑफ करके रखना है, ठीक है ना। इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके मोबाइल फोन का जो फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे एप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में सबसे ऊपर सिस्टम ऐप पे टैप करना है। यहाँ पर आपको नीचे की साइड में ना ये एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको एक स्टोरेज एंड कैच पे टैप करना है। यहाँ पर आपको एक क्लियर कैच का ऑप्शन टैप करना है, तो आपका नीचे कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अगला काम करना यह है, मोबाइल फोन का ना सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिस्टम अपडेट आपको लिखना है। आपको नीचे सिस्टम अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है ना। अब देखिए, अगला काम करना यह है, मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा। इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करेंगे तो अगले पेज में सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की ऑटो ब्राइटनेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है ना, सारे डेटा का अपना अपने फोन में बैकअप ले लीजिए। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है, ठीक है ना। तो ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। तो मेरे बताए हुए सभी प्रोसेस आपको यूज करने से आपके मोबाइल फोन की ऑटो ब्राइटनेस की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।